स्वयं व्यासेन रचितं पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम बत्वा मनुषं ददामि भगवत् गीते भवद्वैषिणीं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, इस सृष्टि में संयोग और वियोग एक कोई ईश्वर कृपा से मिलते हैं और होते हैं। ईश्वर मीन्स अदृश्य शक्ति। ये दुनिया में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो हम सबको मिलाते हैं, अलग करते हैं, मिलाते हैं, अलग करते हैं। अगर मेरे को कोई पूछे कि भगवान का बिजनेस कौन सा है, भगवान को आप कुदरत नेचर समझेंगे। कोई भी धर्म होते हैं उनका खुद का भगवान होता है। ये सब अपने अपने भगवान को समझने का। भगवान का एक ही बिजनेस होता है, एक ही के सबको जोड़ते हैं, सबको फिर अलग करते हैं। आज हम मिले ये उनकी योजना है। कहां आप लोग, कहां मेरा जन्म, कहां का मैं, कहां का आप। और यहां भी आप सब लोग बैठे हैं, कहां कहां का। कभी सोचा भी नहीं होता उनका बर्थ प्लेस का नाम, ऐसा फ्रेंड बन जाता है। कौन करता है ये? ये नेचर है। उनकी योजना के मुसाबिद हमको जीना पड़ता है। हम मानते हैं आई एम समथिंग बट वी आर नथिंग। थैंक यू। जय हो। धन्यवाद। तो एक कोई ईश्वर की योजना है कि हमको क्यों मिलाया। हमको यहां से कुछ मिलेगा, हमारी लाइफ में कुछ न कुछ अप होगा। एवरी डे हमारा लाइफ अप होता है, एवरी डे हम सब का। और आप में से किसी को भगवान ने, नेचर ने आपका लाइफ चेंज कराने का था, उनके हिसाब से हमको मिलाया है कि आपको ऐसी कोई बात तो हमारी आपका हृदय से लग जावे और आपका थिंक चेंज हो जावे और आपकी लाइफ बहुत बड़ी बन जावे। ऐसा भी हो सकता है मगर सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने जो योजना बनाई है ये 2, 5, 10, 20 लोग के लिए बनाई है। ये पूरा सृष्टि में हम लोग, हमारे घर में भी एक कोई बात होती है सब लोग एक तरह नहीं समझते, अलग अलग समझते हैं। मैं यहां से अभी जो बोल रहा हूं तो आप लोग जो 150 लोग हैं तो सब अलग अलग समझते हैं। हम अलग क्यों समझते हैं? हमारा बुद्धि का हम अंदर मिश्रण करते हैं, तो हमारी बुद्धि जो होती है ऐसा मिश्रण हो जाता है। पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मिश्रण हो जाता है। नेगेटिव होती है, नेगेटिव मिश्रण हो जाता है। धार्मिक होता है, धार्मिक हो जाता है। नास्तिक होता है, नास्तिक हो जाता है। तो ऐसे सबका सोच हमारा अलग है, इसलिए
सुनने का भाव भी अलग अलग हो जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही, सब सही है, क्योंकि सबने भगवान नहीं बनाया है, हमारी सोच भगवान ने दी है। तो अभी हमको जो मिलाया है, तो मैं पहला थोड़ा मेरा परिचय दे दूं, आप लोग ने परिचय ले लिया। पहला बहन जी ने भी बताया था, बाद में हमारी आपने क्लिप भी देख लिया, मगर असल ये गोविंद काका कौन है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा बर्थ प्लेस जो है वो वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र में है। हमारा 700 की आबादी का गांव था तभी, अभी 3000 लोग है गांव में, मगर 3000 में से फिर 2000 तो शहर में चले गए, गांव में 1000 ही आज भी। 700 की आबादी गांव में, 1 से 4 की स्कूल, मैं 7वीं तक पढ़ा, मगर 5, 6, 7 तालुका डिस्ट्रिक्ट लाठी में पढ़ाई की। हमारा गांव का नाम दूधाला, धुड़िया बोलते हैं ना कि माटी का गांव। ये नंगे पैर मैं स्कूल जाता था, 6 किलोमीटर फ्रॉम माय होम टू स्कूल एवरी डे, नंगे पैर। ये पैर ने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा, और गांव में ऐसा, गांव में सिचुएशन ही ऐसा, किसी को नहीं था ऐसा, नहीं बच्चे को चप्पल होता ही नहीं ऐसा मान्यता थी। खेत में हर दिन जाता था, इतना कांटा लग जाता था, कांटा में आप समझते हैं सूली, वो बावल का कांटा आता है। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता है कि आज पैर में कांटा नहीं है, कभी। और जब लग गया तो तुरंत निकालने का नहीं, रात को घर में आके मम्मी को हम बा बोलते थे, तो बा निकाल दे उनको अगर टाइम मिला तो, नहीं तो दूसरे दिन शाम को एक बार टाइम मिले तो वो पैर में से निकाल दे। ये लाइफ भी अच्छी लगती थी। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो मेरा प्रोग्रेस क्यों हुआ, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम में से बाहर आया, इसलिए। इफ यू आर इन कंफर्ट जोन यू कांट गो प्रोग्रेस। कंफर्ट जोन में क्या होता है, थिंक होता ही नहीं है। हमारा विचार कब आता है, जब प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आया, विचार आया, विचार आया वाणी में आया, और फिर वर्तन में हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे हमारा प्रोग्रेस होता है। आई एम नॉट गिविंग 7th एग्जाम, एबीसीडी ऑल्सो नॉट इन माई स्कूल, बिकॉज दैट टाइम एबीसीडी ऑल्सो स्टार्ट इन गुजरात फ्रॉम 8 फ्रॉम हाई स्कूल, दैट वाइज आई कांट लर्न एबीसीडी ऑल्सो माई स्कूल, बट आई कैन स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, बट विदाउट ग्रामर। When I am only 13-14 years old, come to Surat for diamond cutting and polishing with my elder brother. That time Surat population only 275,000, too small. Today 7 million, 8 million, so 30 times Surat today. In 1964, 58 years over. तो ये सूरत हमने देखा है, मैं सूरत आया तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशर्स में ओनली 200 वर्कर लाइक मी, टुडे नियर टू 1 मिलियन, 10 लाख लोग डायमंड में काम कर रहे हैं, 200 लोग आए तभी से। इंडिया का डायमंड एक्सपोर्ट 6 करोड़ का था मैं जब आया कहीं, अभी 2 लाख करोड़ का। तो ये सिचुएशन चेंज हो गया, आई एम वर्क
take training in diamond cutting polish 6 months. After 6 years, I am working in factory. First my salary 103 rupees. Last my salary 600 in 6 years. 100 to 600. After we three friends working together in factory, we started with 5,000 rupees. Two worker, three partner. In 1970, and after badhte badhte, aaj 1.8 billion, 14,000 crore ka export hai, 1,000 crore ka value ka hai, total 15,000 crore ka hai. हम लोग 1,000 crore का जो ज्वेलरी बैंड बनाते हैं उसमें हर साल 1 टन सोना जाता है. डायमंड को जोड़ने के लिए हमारी फैक्ट्री में हर साल 1 टन से ज़्यादा गोल्ड जाता है. खाली इसमें डायमंड जुड़ते हैं, खाली 1,000 का ही काम है. वो 14,000 crore का जो आज काम है, आपको जान के आनंद होगे, उसमें से 95% ऑनलाइन बिकते हैं बिना देखे. ओनली 5% हमारा सेल, वो हमारा डायमंड देख के ले जाते हैं. 95% ऑनलाइन सेल B2B है, B2C में B2B. हमारा क्लाइंट है ज्वेलरी शो वाला, अमेरिका टू जापान. तो ये जो हमारा B2B में सेल होता है, ये पूरा 95% ओनली इन वेब. मित्रों, आपको लगेगा कि कहां वो किसान पुत्र, खुद भी किसान, खेत का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है छोटी उम्र में. तो एक किसान को व्यापार कैसे मिल जावे? नियर टू 100 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट होता है. तो ये सब कैसे हुआ? सत्य से आपको जान के आनंद होगा कि मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में हूं. डोंगरे जी महाराज मिस भागवत कथा का रविवार के दिन शहर में घूमने को निकले, वहां एक डोंगरे जी महाराज का भागवत कथा चल रहा था. हमने कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं, मगर जब उनका आवाज आया माइक में से, मेरे को एकदम आकर्षण हो गया और मैं वहां मंडप में जाके बैठ गया. और कथा जब खत्म हुई तो मैं मेरा शेफ के पांच गया कि अभी मैं 7 दिवस फैक्ट्री में काम करने को नहीं आऊंगा, मेरे को ये कथा सुनने की है. तो मेरा शेफ ने बोला कि तू ग्रूटिंग का काम करते हैं और तू अगर नहीं आएगा, 20 डायमंड हर दिन बनाते हो, नहीं बनाएंगे तो मेरा 8 वर्कर बैठेगा, उसको काम नहीं मिलेगा. तो हमने बीच का रास्ता निकाला कि मैं रात को आऊं तो मैं कथा खत्म हो जाए, रात को 6:30 बजे फैक्ट्री पर जाऊं और रात को 12-2 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूं. तो ये 20 डायमंड बना के उनका काम हो गया, मेरे को यहां से जीवन की शुरुआत हुई. डोंगरे जी महाराज बोला आपको मान चाहिए तो आप सबको मान देने को सीखो. ये सृष्टि का नियम है, हम जो देते हैं वो ही हमको मिलते हैं. हम किसी को प्यार दे तो हमको प्यार मिलता है, हम किसी को नफरत दे तो हमको नफरत मिलता है, हम किसी को गाली दे तो हमको गाली मिलता है, हम किसी को लात लगावे तो हमको लात मिलता है. ये सृष्टि का नियम है. तो ये बोला आपको मान चाहिए, मुफ्त में मिलेगा, आप सबको मान देने को शुरू करो.
और एग्जाम्पल दिया कि सृष्टि का नियम कैसे है। अब हिमालय में लाखों पहाड़ियां है, अगर कोई हिमालय चले जाए वहां जोर से बोले भगवान तेरा भला करेगा तो 15-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वो वहां जाके बोले तेरा सत्यानाश होगा 15-20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश होगा तेरा, ऐसा एग्जाम्पल दिया। मेरा हृदय में लग गया। मैंने दूसरे दिन फैक्ट्री में जाके, मैं 17-18 साल का था तभी, आपसे भी छोटा, तो मैंने बोला कि मैं सबको मान देने को शुरू करूं, मेरे को तो मान चाहिए। तो मैंने हमारे में गुजरात में भाई बोले तो रिस्पेक्ट हो जाता, आप हो जाते हैं। तो मैंने ये आप नहीं, ये आप नहीं, आप नहीं तमें, तो आप हो जाता है। तो मैंने सबको भाई बोलने को शुरू किया, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे। अगर भगवान भाई होते तो हम उसको भगवो बोलते थे, लालजी भाई होते तो लालो बोलते हैं, कांजी भाई होते तो कानो बोलते थे। तो दूसरे दिन जाके मैंने सबको भाई बोलने का शुरू किया, कांजी भाई, लालजी भाई, भगवान भाई, सबको लगा कि गोविंदा रू खसी गयो से उसका खिचक गया है गोविंदा का। तो मेरी सब मश्करी सब लोग करने लगे, मैं कुछ नहीं बोलू खाली हंसी दू। 2 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ, सब मेरे को रिस्पेक्ट करने लगा। बॉस चाय मंगावे आधे चाय मेरे को दे, मैंने बोला ये मुफ्त में आपका काम हो गया। तो फिर मेरी कोई मश्करी करे, 3 लोग आ जावे, अरे गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदो था, गोविंद भाई हो गया मुफ्त में। मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है। उसके बाद में मेरा छोटा भाई अभ्यास कर रहा, 6 years younger, तो मैंने उनको बोला, उनको भी भाई आप बोलने को शुरू किया, उनको भी ताजुब हुआ। फिर मैंने ऐसा वो फॉर्मूला लगाई 50 साल से। आज बाद में मेरा भतीजा हुआ, मैंने मेरा भतीजा को भी कभी तू नहीं बोला, आप बोला, भांजा, भतीजा, सब पूरी दुनिया। अरे अभी मेरा सब पौत्र है, भतीजा का बेटा, भांजा का बेटा, सबको मैं आप बोलता हूँ। 50 साल में पूरा वर्ल्ड में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैंने किसी का नहीं किया, किसी ने मेरा नहीं किया। देखो ये क्रोध के बारे में मैं आपको आज टिप देने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसका टाइम इतना नहीं है, मेरे आपको सब कुछ बहुत टिप देने की है, तो क्रोध के बारे में मैं नहीं दे पाऊंगा, मगर यूट्यूब में मिलेगा आपको। तो क्रोध में मैंने जो टिप दी है, और सब लोग को क्रोध नहीं होता है, उसका कारण होता है कि जो खुद नहीं पालन कर रहे उनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं खुद पालन करता हूं, 40 साल से मैंने कभी क्रोध नहीं किया, और इतना कारोबार है, 6,000 हमारा स्टाफ मेंबर है, हम वर्कर नहीं बोलते, हम उनको फैमिली मेंबर बोलते हैं, एसआर के में श्री राम कृष्ण। तो हमने कभी तो प्रॉब्लम आता होगा ना, हमारी कंपनी आपने देखी, वो कीमती तो है, उससे ज्यादा मूल्यवान है। मूल्य क्या है? हमारी प्रीमाइसिस में नफरत को एंट्री नहीं है, ओनली प्यार 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 प्यार। हमारे वहां एक फैक्ट्री शुरू हुआ ना, 64 में शुरू किया, 50 साल हुआ, पगार का पी बोलने का मना है, पगार का पी कभी नहीं बोलने। आज तक पगार के बारे में कोई कंपनी में डिस्कस नहीं कर सकता, मगर मुफ्त में नहीं चलते हैं। हमारा यही सोच है डोंगरेज महाराज के हिसाब के, कोई भी लायका थे सामने वाले की,
उससे आप 20% ज्यादा दो, 30% ज्यादा दो, बांटो। भगवान ने आपको दिया है तो बांटो। तो ये सोच के हिसाब से हम कभी प्रॉफिट करने का है, मगर क्वालिटी में। हम सप्लायर से कभी सस्ता माल नहीं लेते, बायर से कभी महंगा नहीं बेचते, और वर्कर के उनकी लायकात से 20-30% ज्यादा देते हैं। तो आप मानेंगे ये कंपनी में प्रॉफिट कैसे हुआ? ये प्रॉफिट ऐसे हुए, क्वालिटी, आप काम क्या कर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, पूरा बिजनेस में दो ही है, क्वालिटी क्वांटिटी। तो उनके हिसाब से आज कंपनी में डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस था, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, मगर पाप करने की जरूरत नहीं है। संपत्ति एंड संतति में आप समझे, संपत्ति मीन्स वेल्थ, पैसा, संपत्ति, संतति में जनरेशन, तो वो प्रारब्ध अनुसार मिलती है। यही सोच के हिसाब से हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर झूठ बोले हैं तो हम बिजनेस छोड़ देवे। तो मैं जो सत्य की ताकत आपको दिलाना चाहता हूँ वो प्रैक्टिकल है, कि ये कंपनी बनी है उसे मैं असत्य को एंट्री नहीं किया है। पैसे के लिए झूठ करना ही पड़ता है, इससे बड़ी गलत कोई बात ही नहीं हो सकती। सत्य है ना, उनको किसी का साक्षी की जरूरत नहीं है, सत्य खुद चलता है। भगवान का दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, ये कुदरत। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपना जो सूर्य है वो पूर्व में से निकलता है, मगर कल पश्चिम से निकल गया, फिर भी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ कोई कार्य नहीं करूंगा। अगर आपको आपका मन में पूरी सच्चाई आ गई तो अपनी प्रगति को, सेटिस्फेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। सेटिस्फेक्शन क्या है? पैसे से सुख मिलता है, इससे बड़ा झूठापन कोई हो ही नहीं सकता। सुख मिलता है संस्कार से, सुख मिलता है संस्कार से। अगर पैसे से जो सुख मिलता है तो हमारी जैसा इंडस्ट्रियली 2-5-10 हजार मिल जावे और सुख ले लेवे, बात दूसरे तो कोई किसी के भाग में आवे नहीं, ऐसा होता है? सुख सबको मिलता है। हमारा बच्चे को मैं सबको समझाता हूं कि एक गाड़ी से आपको सुख मिले ये समझना मत, क्यों? अगर गाड़ी में जो सुख होता तो हम घर जाते हैं तो गाड़ी को कहां रखते हैं? पार्किंग में। उनको कभी हम हॉल में ले गए, बेडरूम में कभी ले गए? कौन सुख देता है? हमारा फैमिली। हॉल में कौन आता है? हमारा फैमिली। बेडरूम में कौन आता है? हमारा फैमिली। कौन सुख देता है? बस इतना ही समझता। हम हमारे बच्चे को ये समझाता है, हमारे वहां सुधा मूर्ति जी आए थे, हमारा फैमिली के साथ बैठे, तो जब हमने उसको मिलाया
सुधा मूर्ति जी ने जो साड़ी पहनी थी वो 300 रुपया वाली थी। हमारा फैमिली को इकट्ठा करके मैंने बताया कि ये बहन जी जो है उनका मैं आपको पहचान करवाता हूँ कि ये सुधा मूर्ति जी तो है मगर आपको सीधा साधा सिंपल अपनी जैसा लगता है ना, मगर हमारी जितनी मूड़ी है, हमारे पास जितनी वेल्थ है, इतना तो वो हर साल डोनेशन करती है। तो हमारा एक बच्चे ने पूछ लिया, आंटी आंटी तुम्हारी पास कार कई से? क्योंकि बच्चे को तो कार दिखती है सबसे अच्छी कार, वो अच्छा। तो सुधा मूर्ति जी ने बोला के सांट्रो। ओ सांट्रो है? तो बोला क्यों? सांट्रो मेरे को घर से ऑफिस नहीं ले जाएगा, ये बात है। गाड़ी सांट्रो भी हमको घर से ऑफिस ले जाती है, रोल्स रॉयस फरारी भी ले जाती है। फरारी में हम जाते हैं तो हमारा ईगो बढ़ जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता। रोल्स रॉयस जाए तो हमारा ईगो बढ़ जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता। अभी ये 14 साल पहले ऐसे समझ ले कि गोविंद काका को तो भाई बहुत वो समय अच्छा था, मेरे पास अच्छा समय नहीं होता तो 14 साल पहले जो समय था इससे अभी बहुत अच्छा है। अब खाली पॉजिटिव थिंक करो, कॉन्फिडेंस करो। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आई एम नथिंग, ईगोलेस, नॉट समथिंग, बट आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन। आप जल्दी करो, एक मिनट दो, एक सेंटेंस उनके साथ मिलता जुलता बोल दो। आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकल जाओ, बिल्कुल बाहर। ए डे मिनिमम 14 आवर्स वर्क करो। कितना घंटा करने का? 14 घंटा। कितना लोग रेडी है गोविंद काका का वचन ऊपर ए डे 14 घंटा का लाभ? समय आपके हाथ में है, कोई आपकी प्रगति को नहीं रोक सकते। 14 घंटा काम करो। काका ने किया, फैक्ट्री में सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती, रात को 8 बजे बंद होती थी। 14 घंटा के बाद भी इतना हैप्पीनेस, तभी एयर कंडीशन नहीं था, पंखा नहीं था, कुछ नहीं था, मगर ऊपर सद थी। उनके पहले 14 घंटा खेत में काम करते थे, सनलाइट में 43 डिग्री में, तो बहुत अच्छा लगता था। इसलिए ये विकास होता है, आप काम करो। टुडे ऑल्सो आई एम वर्किंग 7 आवर्स इन बिजनेस, कारण के सुबह में मैं 6:30-7 बजे स्टैंड अप होता हूँ, 3 घंटे में स्वार्थी हूँ, मेरे लिए जीता हूँ। इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, ब्रेकफास्ट, पूजा, एक्सरसाइज, 2 घंटा सोशल, 10 से 12 पूरा सोशल, इतना सोशल जो करने का है, एजुकेशन का, मेडिकल का। एक रिलीफ सेंटर चलता है, हर दिन 40-50 लोग आते हैं, उनके साथ आधा घंटा बिताता हूँ। 11 मानसों का वहाँ स्टाफ रखा है, सब के क्लियर करें, मेरे को एक एक आदमी को काम हो जाता है आधा मिनट में। तो देखो 12 से 7, 7 घंटा में खाली बिजनेस करता हूँ। वहां ऑफिस में कोई सोशल नहीं आ सकता, वहां खाली 2 ही लोग आते हैं, बिजनेस वाला और व्यवहार, अपना सगा संबंधी मित्र, ये सब लोग आ सकता है। और आफ्टर 7 ओनली फैमिली। मैंने 50 साल से कभी भी शाम को 7 बजे के बाद फोन में बिजनेस का बात नहीं किया है। ये सब जरूरत नहीं है, हमारी अज्ञानता से हम मानते हैं कि अभी हम जो जवाब नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर कुदरत है, जो योजना बनाता है वही होता है। थैंक यू। पूरा सूरत ग्रुप, पूरा गुजरात ग्रुप।
सब लोग के काका के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि अभी काका के साथ जब बात करने का समय आवे तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते कि काका जी को गुस्सा आवे, क्योंकि ये रिस्पेक्ट बढ़ गया है। मगर ये आज बजा, पहले तो हमको पेश करना पड़ा होगा ना उनको नमाज पढ़ना। एक मैं छोटा एग्जांपल दूं, हमारा सूरत डायमंड एसोसिएशन की स्थापना हमने 5 मित्र ने की 35 साल पहले। हमने वार्षिक उत्सव में, वार्षिक जो उसकी होती है ईयरली सभा में, तो हमने सोचा कि हम 3 लोग सबको मोटिवेशन करना। तो एक भाई ने बोल दिया, दूसरा मैं बोला। तो मैं जब माइक हाथ में लिया तो एक भाई आया और मेरा हाथ जैसे माइक ले लिया। उसने बोला, तुम सब लोग बड़े लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमको कितनी परेशानी छोटे लोग के, आपको मालूम नहीं, ऐसा तैसा बोलने लगा। साथ में मेरा भांजा भतीजा बैठा था, सब लोग एकदम उकल गए और उनके अभी बोची पकड़ ले थे ऐसा लगा मेरे को। मैंने उसको सबको हम ऐसे खाली खानगी में समझा दिया, कोई बोलना मत। मैं हंसता रहा, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने मेरे को बोलने का जब रिस्पेक्ट दिया वो भी ऊपर वाला ने दिया, आज मेरा हाथ से माइक उसने छीन लिया वो भी उनकी इच्छा होगी, उनकी कोई योजना होगी। बात खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग चले गए। 2-3 महीने के बाद मेरे सेरेमनी में वो ही भाई मिला और 300 लोग मेरे सेरेमनी में, और आके मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हो गया, मैं तो सोचा कि वो मेरे को झगड़ा करने को आ रहे हैं, ऐसा मैंने सोचा पहले। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो मेरी जो मस्ती थी उसमें मैं चला गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, वो बोला कि मेरे को ऐसा था कि आप यही कास्ट का हो, मेरे आपके परेशानी नहीं थी, मेरे को कास्ट की परेशानी थी। क्या समझे, सामने वाला कुछ भी सोचे हमारा क्या है, वो जब हमारे माइक छीन ले हमारा अपमान करे तो अभी हमारी को खुशी है, वो हमारे को पैर पड़े फिर भी हमको खुशी है, उसमें हमारा क्या बिगड़ा। जो कुछ अच्छा हुआ उनका हुआ, बिगड़ा उनका बिगड़ा, हमारा क्या हुआ। ये सोच आ जाए तो सहन, सहन शक्ति ये महान शक्ति है। लोग सहन शक्ति को कमजोरी समझते हैं, ये अज्ञान है। आज से आप एक सेंटेंस बना लो, सहन शक्ति ये महान शक्ति है, बस कभी क्रोध नहीं आएगा। सहन करने को सहन करे यीशु की जाए। मैं सबको समझाता हूँ, अगर सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया तो हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, बाद में तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम टिक ही नहीं सकते कंपटीशन में, बाद में तो लेना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों बात आ गया, जिनको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। अगर भाई को छोड़ के कोई ऐसे माने कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी उतनी भक्ति नहीं है मगर ब्राह्मणा है। तो हमने सोचा 77 में फर्स्ट टाइम मैं बेल्जियम गया, मैंने बोला ये भी एक दुनिया है। तो मैं अभी सूरत में, मेरा ब्रदर गांव में, उनका लड़का का शादी बेटे की आवे, मेरी 5 से 5-10 लाख रुपया ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद के पैर पर खड़ा होना चाहिए मेरी जैसा। तो उनको ले आया मैं गांव से सूरत, उनको बिजनेस में लगाया। तो हम 5 भाई हो गए, बाद में सबको एक 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 करके हम कजिन ब्रदर 17 है और 13 कजिन सिस्टर, 30 फैमिली है। तो 30 फैमिली को सब लोग ने मिल के, पहली बात तो मैं अकेला था, बाद में 3 हो गया, तीनों ने एक साल में एक को ऊपर लिया, फिर 4 हो गया तो 2-2 को ऊपर लिया, ऐसा करके 2000 में हम लोग ने 30 फैमिली को खुद का बिजनेस, खुद की कार और खुद का घर, 30-30 फैमिली को खड़ा हो गया खुद का पैर पर। इसलिए वो लोग सब साथ में बैठ सकते, पॉजिटिविटी होती है।
सबको एक साथ मिस किया। प्रणाम काका, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम सभी लोग किसी ना किसी संस्कार से आते हैं, किसी ना किसी जगह से आते हैं और किसी ना किसी धर्म से आते हैं, तो इनमें से कुछ लोग हैं जो इस चीज पे गर्व नहीं करते, they are not proud of it, और प्राउड तो दूर की बात है, वो निंदा भी करते हैं, तो इनके लिए आप उनको क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं कहेंगे, भगवान ने उनका माइंड ऐसा बनाया, क्योंकि हमारा स्वभाव हमने नहीं बनाया, आपका स्वभाव आपने नहीं बनाया, किसने बनाया? नेचर ने। स्वभाव बनता है माँ बाप से, देश, कहाँ आप जन्मे, अमेरिका में जन्मे होते तो इंग्लिश बोलते, अफ्रीका में जन्मे होते तो अफ्रीकन भाषा बोलते, गुजरात में जन्मे तो गुजराती, यूपी में जन्मे तो हिंदी, ये तो हमने नहीं किया, ये स्वभाव, ये देश के ऊपर, स्थल के ऊपर, प्लेस के ऊपर आधार रहता है स्वभाव बनने का। माँ बाप से बनते हैं और प्लेस से बनते हैं और कार्य से बनते हैं। हम कौन सा कार्य करते हैं? मैं डायमंड का कार्य करता हूँ, अगर मैं टेक्सटाइल का करता होता तो मेरा स्वभाव थोड़ा अलग होता। और एक बनता है वातावरण, एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट अभी तो देखो ये हमारा स्वभाव है, मगर हमको ये नेगेटिविटी निकाल देने के है कि दूसरा खुद का बर्थ प्लेस का, खुद का देश का गौरव नहीं करते, उनका प्रॉब्लम है, हमारा क्या, हमको क्या सोचने का, हमारा सोचने का कि उनको गौरव नहीं है मगर हमको होना चाहिए, हम गौरव करेंगे, वो उनको तो जाने दो, उनकी चिंता करने में हमारा बिगड़ जाएगा। तो आप सोचो स्वभाव कहाँ होता है, मगर माइंड में, सबको मालूम है ना हमारा स्वभाव यहाँ माइंड में होता है, और माइंड में हमने जो मन बनाया, मन का चार प्रकार है, मन बुद्धि चित अहंकार, ये तो अभी टाइम नहीं है मगर हमने ऐसे ही सोच ले कि यहाँ से विचार निकलते हैं, तो उसमें करोड़ों सेल है, आप सबको मालूम है करोड़ों सेल इकट्ठा करके मगज बना है, तो हम इतना ही सोचेंगे, अगर कोई नेगेटिव बात करे, अगर कोई उल्टा सुल्टा बात करे, तो हम इतना सोचेंगे कि उनका सब सेल तो बराबर, मगर एक सेल भगवान ने उनको उल्टा बिठा दिया है, बेचारा क्या करे, तो उसके ऊपर दाज नहीं करने की, दया खाने की, उल्टा उनका जैसा उल्टा हो गया है, ऐसा मेरा अगर भगवान ने दिया होता तो मैं भी उल्टी सुल्टी बात करता, ऐसे अपने मन में सोचने का है कि माइंड हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया है। गुड मॉर्निंग सर, मैं बात बता रहा था कि मेरा अभियान है कि गांधी जी जब पढ़ने के लिए फॉरेन गए ओवरसीज में, उनकी माता ने बताया था कि तू भले जावे मगर मेरे को वचन दे दे कि तू वहां मांस मदिरा और मोहिनी तीन का त्याग करेगा। तो मांस मीन्स नॉन वेज, मदिरा एटले दारू अने अल्कोहल, अने मोहिनी एटले परस्त्री, ये तीनों का त्याग करने, ऐसा उसकी मम्मी ने वचन लिया था। ये तीनों तो है मगर चौथा मेरा गोविंद काका का है जुगाड़, तो अपने को गैम्बलिंग कभी भी नहीं करने का। आपको जान के आनंद होगा कि 60 साल से मैंने कभी शर्त भी नहीं लगाई, कोई बोलता चलो इफ अपने को कोई बोले कि या ये भाई कमलेश भाई उसने शर्ट पीला पहना हुआ है, तो मैं बोलूं कि हाँ पीला है भाई, तो ये बोले नहीं नहीं मारो शर्त लाल है, तो पीला तो है, मैं ही जीत करता हूं, फिर भी मैंने कभी शर्त नहीं लगाई, क्योंकि शर्त वो भी गैम्बलिंग ही है, तो हमने कभी गैम्बलिंग नहीं किया। आपको जान के आनंद होगा
लास वेगास डायमंड जेमिन ज्वेलरी का दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है 1 जून को। मैं लास वेगास 20 टाइम गया, एक भी डॉलर कभी जुगाड़ नहीं रहा। और फर्स्ट टाइम मैं लास वेगास गया था 87 में, और दूसरी बार गया था अपने वल्लभ भाई क्या वर्ष में गया था लगभग 90 के 92। ये मेरा फ्रेंड है, वो हम दोनों दूसरी बार उनके साथ गया था। मैं तभी खाली एवरी डे ओनली 25 फ्लाइट आती थी लास वेगास में, आज 400 फ्लाइट आती है। क्यों आती है? जुगाड़ रमने के लिए, गैम्बलिंग के लिए। पर जुगाड़ दाम है बड़ा पूरा वर्ल्ड का, मगर मेरी जैसा वहां पहुंच जावे तो वो लोग तो सब घाटा में चले जाए। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं, ये चारों की बराबर जुगलबंदी है, एक आएगा नहीं तो बाकी 3 आएगा फिर। तो आप कभी भी जीवन जी के भरपूर जीने का है तो उनसे बचो, जितना बचो इतना हमको फायदा है। अपने लिए, एक दूसरे के लिए नहीं छोड़ने का है, अपने के लिए छोड़ने का। मैं गुजराती में बोलता हूं कि उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का कदी कदी नहीं होता। मैं मूल्य और कीमत में फर्क है, पैसा का क्यों महत्व नहीं है मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल देता हूं कि अपना गांधी जी था, ये 100 साल पहले चले जाओ, 1922 में चले जाओ। वो गांधी जी के पास खाली एक पोतड़ी थी, कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, मगर उनके पास मूल्य था। क्या था? वैल्यू, वैल्यू था। वही टाइम पर ब्रिटिश का जो राजा था, ब्रिटिश का किंग था, ये पृथ्वी के ऊपर 33% पृथ्वी का वो मालिक था। कितना हो गया भाई साहब? 33% पृथ्वी का मालिक था, अपना भारत का भी मालिक था, वही मालिक था। और दुनिया में जितनी बस्ती थी, बस्ती उसमें 25-30% का वो किंग था। इतना बड़ा होने के बावजूद आप सब उनको पहचानते हैं, 700 करोड़ में से अभी वो किंग को 25 करोड़ पहचानते हो, और गांधी जी को 700 करोड़ में से 400 करोड़ लोग जानते हैं। भाई वो संपत्तिवान था, पैसा वाला था, संपत्ति कहां गई? वे उनके पास कौन पहचानता? कीमत किसकी हुई? वैल्यू, गांधी जी की वैल्यू थी, इसलिए हमारा जेब में आज भी है, सबके जेब में गांधी जी। तो हम पैसा वाला संपत्तिवान तो बने, पैसा की जरूरत है, मगर वो साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। पैसा मेरे पास था तो मैं प्लेन की टिकट लेके यहाँ आ सका, पैसा तो है मगर इतनी जरूरत है। तो ये साध्य नहीं, अपना जीवन साध्य है।